रानीगंज में पत्रकार की हत्या पर आक्रोश, आखिर कब तक होती रहेगी कलमकार की हत्या। रानीगंज अरिया में दैनिक जागरण के पत्रकार विमल कुमार यादव की अपराधियों के द्वारा गोली मारकर हत्या कर दी गई, जिसको लेकर पूरे बिहार ही बल्कि पूरे देश में पत्रकार समाज पूरी तरह रोष में है। कलमकार की सुरक्षा भी अब भगवान भरोसे। अहले सुबह घर के मुख्य द्वार के पास जाकर आवाज़ देना और नज़दीक आने पर गोली मार देना, ये तस्वीर बिहार में लोग कितने सुरक्षित है इसकी बानगी पेश कर रही है। पूरे बिहार में पत्रकारों के द्वारा आक्रोश जताया जा रहा है। इसी कड़ी में सहरसा जिला में भी पत्रकार संघर्ष मोर्चा के बैनर तले आक्रोश मार्च निकाला गया। ये आक्रोश मार्च वीर कुंवर सिंह चौक से समाहरणालय गेट तक निकाला गया। इसमें सभी पत्रकार हाथ में काला बिल्ला लगाकर आक्रोश मार्च में शामिल हुए। पत्रकारों का शिष्टमंडल डीएम से मिलकर मुख्यमंत्री के नाम का ज्ञापन सौंपा। आक्रोश मार्च में शामिल दैनिक भास्कर के जिला प्रभारी नवीन निशांत ने कहा कि इस तरह के घटना से हम लोग काफी मर्माहत हैं। पत्रकार की सुरक्षा की गारंटी होनी चाहिए, साथ ही उनके परिजन की सुरक्षा एवं पीड़ित परिवार को आर्थिक सहायता प्रदान करे सरकार। वहीं दैनिक जागरण जिला प्रभारी कुंदन सिंह ने कहा, सरकार हम लोगों की सुरक्षा की गारंटी ले, पीड़ित परिवार के सदस्यों को सरकारी नौकरी एवं आर्थिक सहायता प्रदान करें, पत्रकारों की 1 करोड़ की सुरक्षा बीमा हो। इस आक्रोश मार्च में सुभाष चंद्र झा, आलोक कुमार, मनोज कुमार, दीपांकर श्रीवास्तव, अनु कुमार, गौरव कुमार, शौकत अली, मुकेश कुमार उर्फ चुन्नू आज झा, राजा नाग, रंजीत कुमार, दिनेश कुमार, पंकज कुमार, और पत्रकारों कुमार, अनुभव, नीरज कुमार के बाद भी उसके परिजनों को उचित मुआवजा देने की घोषणा सरकार नहीं कर पाती है। इसलिए हम लोगों को सुरक्षा की गारंटी चाहिए। और क्या मांग है उन पत्रकारों के लिए? पत्रकारों की मांग के लिए सुरक्षा चाहिए। सबसे बड़ी बात है सुरक्षा। आप सुरक्षा नहीं देंगे तो वो काम कैसे करेंगे? और उसके बाद उसके परिवार का सिक्योरिटी चाहिए, आर्थिक रूप से उसको सिक्योरिटी चाहिए। साथी विमल कुमार हैं रानीगंज के पत्रकार, उनकी हत्या कल घर से बुलाकर कर दी गई। हम लोग इसलिए उतरे हैं कि हम लोग की सुरक्षा की गारंटी सरकार दे, उस परिवार के आश्रितों को सरकारी नौकरी दे, और जो कातिल हैं उनको फांसी की सजा। आए दिन हमला हो रहा है पत्रकारों का, तो हम लोग का एक पत्रकारों का सुरक्षा बीमा हो 1 करोड़ का, ताकि हम लोग सड़क पर जब आते हैं तो सब कुछ छोड़ के आते हैं, हमारे दुश्मन सब हम सबके खिलाफ। तो सरकार को इस दिशा में पहल करनी चाहिए।